कोलारस नगर में सहकारिता बैंक में 80 करोड़ रुपए के घोटाले की बात अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि अब मणिपुरम गोल्ड लोन फाइनेंस लिमिटेड में उपभोक्ताओं के साथ फर्जी लोन का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि मणिपुर फाइनेंस लिमिटेड के पूर्व मैनेजर विक्रम पाल ने बैंक के एक दर्जन के करीब खाता धारकों के नाम पर लोन लेकर अब फरार हो गए। वहीं मणिपुरम गोल्ड लोन फाइनेंस लिमिटेड प्रबंधक फिलहाल मामले पर ऑन रिकॉर्ड कुछ कहने से बच रहे हैं। जानकारी के अनुसार पीड़ित युवक भानु प्रताप परमार का कहना है कि उसने 10 महीने पहले ब्रांच में खाता खोलने को आधार कार्ड दिया था, लेकिन फिर जरूरत नहीं पड़ी। अब जब वो दिवाली पर बाइक उठाने के लिए गए, सिविल चेक करने के दौरान उस पर लोन की जानकारी मिली, जिस पर बताया गया कि मणिपुरम गोल्ड लोन बैंक में लोन है। उसे सेटल करवाए, जिस पर युवक हैरान हुआ और ब्रांच पहुंचा तो उसके खाते पर 2,07,000 का लोन बताया गया। पूछने पर पता चला कि पूर्व ब्रांच मैनेजर इस तरह की गड़बड़ी करके फरार हो गया है। कोलारस से इमरान अली की रिपोर्ट। क्या नाम है? मेरा नाम भानु प्रताप सिंह परमार है। कहाँ रहते हो? वो मास्कड़ी गांव में रहता हूँ, यहाँ पे दुकान है कोलारस। अच्छा, आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है? फ्रॉड? हाँ। कैसे, क्या हुआ? कल मैं गाड़ी लेने जा रहा था फाइनेंस कराने, तो उसमें सिविल चेक की मेरी, तो उसमें सिविल ड्यू आ रही थी, अपना लोन लेगा उसे जमा करो। मैंने कहा मैंने कभी लोन ही नहीं लिया, तो उसमें बता रहा कि मणिपुरम बैंक है यहाँ पे कोलारस में एप्रो रोड पे, तो उसी में फ्रॉड आ रहा है। गया बैंक में, तो कोई जानकारी देने के लिए तैयार नहीं हुआ बैंक में। फिर स्टेटमेंट में देखा, उसमें 2,07,000 रुपए का लोन आ रहा। आपने कब निकाला था खाता? खाता मुझे 1.5 साल हुआ। अच्छा अच्छा, उसके आपने कभी कोई लोन नहीं लिया? कभी कोई लोन नहीं लिया। और दो अभी कितना बता रहा है लोन खाते पर? 2,07,000। आपने इस विषय को लेकर किसी मैनेजर से बात की, बैंक मैनेजर से? बैंक मैनेजर से बात की थी। हाँ, लेकिन वो लोग कोई सॉल्यूशन ही नहीं दे रहे। संतोषपुर जवाब नहीं दिया आपको? अच्छा, आपने इसको लेकर थाने माने गए, शिकायत दर्ज कराई? शिकायत गई थी, दर्ज कराए तो वो थाने वाले बोल रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।